अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी मोहम्मद खान फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस। टुडे डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रिज्यूम द सेम चैप्टर ऑफ हाउ टू ऑब्टेन द फाइनेंसिंग कंप्राइजिंग ऑफ लेक्चर नंबर 10। आज हम 10वां लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस लेक्चर, जिसके दो सेशन आपको डिलीवर किए जा चुके हैं। How to obtain the right financing for your business? You have known that we have actually gone through all of the contents, जिसमें हमने we talked about the estimation of the financial needs, principles to follow. You might have gone through all of the concepts earlier. हमने बात की using the cash budgets की, हमने equity and debt financing की बात की, that why we are actually interested in that. हमने common and preferred stock holders की डिफ्रेंशिएशन को यहाँ डिस्कस किया। वी टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग एंड द रोल ऑफ डेट फाइनेंसिंग इन योर बिजनेसेस। वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज। हमने कॉमन स्टॉक की बात की। वी टॉक्ड अबाउट द प्रेफर्ड स्टॉक्स और द सिक्योरिटीज। मूविंग वी टॉक्ड अबाउट स्मॉल बिजनेस ऑफरिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी, जिसके थ्रू आप एक्चुअली अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट द डेट सिक्योरिटीज, किसके कौन से टाइप्स होती हैं। दिस कैन बी शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, फॉर द इंटरमीडिएट टाइम पीरियड। एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, जिसको आपके लिए तकरीबन 5 इयर्स प्लस के लिए आपको जो लोन ग्रांट किया जाएगा, दैट वुड बी फॉलिंग अंडर दैट कैटेगरी। मूविंग अहेड, उसके बाद जी हमने डिफरेंट बॉन्ड्स की बात की, मॉर्गेज लोन की बात की, हमने चैटल मॉर्गेज लोन की बात की। देन वी टॉक्ड अबाउट द सोर्सेज ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, के हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे पास सेल्फ है, हमारे पास खुद जो अमाउंट होती है, दैट वी एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द रिसोर्सेज एंड वी एक्चुअली पुट दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस। वो जो हमारी अपनी पैदाशुदा अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ। तब हमने बात की स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनीज की, सिमिलर टू द बैंक्स, जो आपको प्रोवाइड करते हैं लोन्स और आपको इन्वेस्टमेंट में मदद करते हैं, आपके बिजनेस को रन करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। उसके बाद ही हमने डिफरेंट बात की वेंचर कैपिटलिस्ट की, कि वो लोग कौन होते हैं, वो आपकी अमाउंट जो है, पार्टिकुलर अमाउंट आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, उनका उनके क्या पर्पज होता है और क्या बेनिफिट उसके थ्रू वो अचीव करते हैं। मूविंग अहेड, देन वी टॉक्ड अबाउट द एंजल कैपिटलिस्ट, वी टॉक्ड अबाउट द बिजनेस इनक्यूबेटर्स, दीज आर द पार्ट ऑफ अदर सोर्सेज। वी डिस्कस द एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, जिसमें हमने देखा कि आपको डिफरेंट स्टॉक जो हैं वो आपके अपने इंप्लॉयज को ऑफर कर दिए जाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कॉमन या प्रेफर्ड स्टॉक की बात हुई, तो वो इंटरन एक्सटर्नल जो लोग हैं, पब्लिक है, आप और मुझ जैसे लोगों, उनको ऑफर किए जाते हैं। जबकि ये हैं, इसमें आपको इस ऑप्शन के थ्रू आप जो इंटरनल इंप्लॉयज हैं उनको ही वो स्टॉक ऑफर कर दिया जाता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो इंटरनल इंप्लॉय है वो ओनरशिप फील करता है, जैसे पब्लिक ओनरशिप फील करती है कि मेरी इतनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है, मैं इतनी अमाउंट का मालिक हूँ इस जगह पर। एट द सेम टाइम वो भी अपनी प्रॉपर ओनरशिप फील करते हैं और अपने उनके काम में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है, बिकॉज उनकी कोशिश होती है कि जी आज हम इस कंपनी के लाइक 10% 5% या 2% मालिक हैं, तो एटलीस्ट हमें इसके लिए अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज अगर वो अच्छा काम करेंगे इन रिटर्न दे वुड बी अर्निंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, ठीक है जी, क्योंकि वो आपका जो इंप्रूव होगा, आपकी जो स्टॉक की प्राइस है वो इंप्रूव होगी कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट द बिजनेस बार्टर, के बार्टरिंग के थ्रू आप किस तरह बिजनेस करते हैं और किस तरह फाइनेंसिंग ऑब्टेन कर सकते हैं। मूविंग अहेड, नाउ डियर स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग। आज हमने डेट फाइनेंसिंग के डिफरेंट सोर्सेज को डिस्कस करना है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि हम वी टॉक्ड अबाउट अगेन द सोर्सेज ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। अब सोर्सेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग अगर की तरफ अगर हम आएँ, तो जो पहली हमारे पास सोर्स है वो है ट्रेड क्रेडिट, ठीक है जी। अगर हम ट्रेड क्रेडिट की बात करें तो डेफिनेशन ये कहती है, एज यू कैन सी फ्रॉम द बुक, ट्रेड क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बाय द वेंडर्स ऑन द परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री, इक्विपमेंट एंड सप्लाइज, ठीक है जी। ट्रेड क्रेडिट डियर स्टूडेंट्स वो होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने एक करियाना शॉप ओपन की है, आपको मालूम है कि किसी भी करियाना शॉप के अंदर आप रूह अफ़ज़ा भी रख कर बैठे हैं, आप नेस्ले की प्रोडक्ट्स मिल्क भी रख कर बैठे हैं, चॉकलेट्स भी हैं, टॉफीज भी हैं, ब्रेड, अंडे, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू प्लेस ओवर देयर, कोल्ड ड्रिंक भी है, बेवरेजेस भी हैं, चाय की पत्ती है, एवरीथिंग यू आर एक्चुअली होल्डिंग दैट अंडर यूर दैट रिटेल शॉप, जिसको आप दुकान कहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये क्या ये सारी चीज़ें हमने खुद जनरेट की हैं? नो, डेफिनेटली डिफरेंट सप्लायर, नेस्ले के सप्लायर ने, इसी तरह आपको यूनिलीवर के सप्लायर ने, इसी तरह मिल्क और आपके एग्स और ब्रेड के सप्लायर ने आपको ये चीज़ें आपकी शॉप पर आकर प्रोवाइड की हैं, राइट। सो इन दैट सिनेरियो, इन दैट सिचुएशन,
ये जो आपको प्रोविजन हुई है, जो चीजें प्रोवाइड की गई हैं, इसकी अमाउंट जो बनती है वो आपको सप्लायर फॉरन आपसे नहीं लेता, वो आपको एक्चुअली एक टाइम पीरियड देता है कि जी मैं आज ये चीजें रखवा कर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं आप इसको सेल कर लें, जब ये सेल हो जाएंगी आपसे मैं फिर अमाउंट ले लूंगा, वो हफ्ते बाद आए, वो 2 वीक्स बाद आए, वो 1 मंथ के बाद आए, उनकी अपनी एक अरेंजमेंट होती है। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, अब देखें आप डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दुकानदार को क्या करना पड़ा है, यहाँ पर उसको कहीं से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, सेल्फ भी नहीं लगाना पड़ा, कहीं से लोन भी लेने नहीं पड़ी, किसी फ्रेंड से बार्टरिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना पड़ा उसे, उसे एक ट्रेड क्रेडिट मिल गया है। जिसने उसको सेल किया उसने उसको थोड़ी देर के लिए रियायत दे दिया कि जी अभी आपके पास पेमेंट नहीं है, तो जब आप ये मर्चेंडाइजेस, इसको हम कहते हैं मर्चेंडाइजेस स्टॉक को, जब ये सेल कर लेंगे तो हमें आप पेमेंट दे दीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, दैट इज कंसाइनमेंट सेलिंग। कंसाइनमेंट सेलिंग क्या होती है, पेमेंट्स टू द सप्लायर्स आर मेड ओनली व्हेन द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड रेदर देन व्हेन दे आर रिसीव्ड इन स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, कंपनीज प्रोवाइड कर देती हैं, सप्लायर्स प्रोवाइड कर देते हैं आपके रिटेलर को मुख्तलिफ अशिया, जब वो आपकी दुकान पर वो अशिया आ जाती हैं, आप पेमेंट तब तक नहीं करते जब तक वो अशिया, वो प्रोडक्ट्स बिक ना जाएं। जब वो डेयर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स बिक जाती हैं, उस दुकानदार के पास कैश आ जाता है, उस कैश से वो उन सप्लायर्स को अदायगी कर देते हैं, इस तरह उसको एक पार्टिकुलर टाइम के लिए एक कुशन मिल जाता है, एक मार्जिन मिल जाता है, एक सहूलत मिल जाती है, उसको फॉरेन पेमेंट नहीं करनी पड़ती, दे हैव और दे हैव टू पे आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड। राइट, इट्स क्लियर नाउ। आगे हम जी आते हैं मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स की तरफ। अगेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग में हम देखते हैं कमर्शियल एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बड़ी ही आसान चीज है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, कमर्शियल बैंक्स, इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, दैट इज नॉट वेरी ट्रिकी। कमर्शियल बैंक के से मुराद है आपके अपने बैंक जो आपके सामने एग्जिस्ट करते हैं, योर अल्फा बैंक, योर एमसीबी बैंक, योर यूबीएल बैंक, योर बैंक मेट्रो हबीब बैंक, योर जेएस बैंक, ठीक है, अलाइड बैंक, ये जितने डियर स्टूडेंट्स बैंक हैं, दीज आर कंसिडर टू बी कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं कि ये लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकें, आप जाएं ये खास इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये खास टाइम पीरियड के लिए आपको लोन ग्रांट कर देंगे। राइट, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द कमर्शियल बैंक। उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिए अमेरिका के कॉन्टेक्स में, उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि डिफरेंट परसेंटेजेस होती है, पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इसकी जो है पार्टिकुलर परसेंटेज 18 to 24% चल रही है इस वक्त। अगर आप लोन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, तो आपको 1,24,000 खास मुद्दत के दरमियान या दौरान लौटाना होगा, सो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस पे करनी होती है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। देन कम्स अ लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें, द लाइन ऑफ क्रेडिट परमिट्स अ बिजनेस टू बोरो अप टू सेट अमाउंट विदाउट रेड टेप। रेड टेप का मतलब यह है कि कोई फॉर्मल फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व नहीं होती, कोई ज्यादा आपको तरद्दुद नहीं करना पड़ता, और आपको एक खास मिकदार, ठीक है, खास अमाउंट एक खास टाइम पीरियड के लिए मिल जाती है, जिसमें आपकी एग्जांपल आती है क्रेडिट कार्ड्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्रेडिट कार्ड के कॉन्सेप्ट से वाकिफ होंगे, क्रेडिट कार्ड एक एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ योर बैंक अकाउंट आपको एक खास पार्टिकुलर कार्ड इशू होता है जिसकी एक लिमिट होती है, लाइक इट कैन बी ऑफ 2 लैक्स, इट कैन बी ऑफ 3 लैक्स, इट कैन बी ऑफ 5 लैक्स, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस एंड डिपेंडिंग अपॉन योर अकाउंट, कि आपका अकाउंट कितना बड़ा है। वो क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है, उसके मतलब ये है कि आपके अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है, आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे क्रेडिट पे करेंगे, और हर महीने बाद या हर 3 महीने बाद आपको वो खास मकदार जो आपने ली है उस क्रेडिट कार्ड से वो वापस वहां पे बैंक में जमा करानी होती है बिना इंटरेस्ट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड। आगे मूव करेंगे जी इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज के अगर हम एग्जांपल देखें तो हम यहां से देख सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में भी अ गुड सोर्स ऑफ फंड फॉर स्मॉल फर्म स्पेशली रियल एस्टेट वेंचर्स। वो कहता है जो कारोबार कर रहे हैं और प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स हैं जी इंश्योरेंस कंपनीज। कैसे, द बिजनेस ओनर्स गो डायरेक्टली टू द कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट इट्स एजेंट और अ मॉर्टगेज बैंकर। वाल इंश्योरेंस कंपनी हैव ट्रेडिशनली इंगेज इन डेट फाइनेंसिंग, दे हैव मोर रिसेंटली डिमांडेड दैट दे आर परमिटेड टू बाय एन इक्विटी शेयर इन द बिजनेस एज ए पार्ट ऑफ टोटल पैकेज। वेरी इंपॉर्टेंट जी, वो कहता है कि इंश्योरेंस कंपनीज का असल काम तो इंश्योरेंस करना है, आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, लेकिन वो कहता है आजकल के दौर में डायरेक्टली आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज है इन्वेस्टमेंट कर देती हैं आपके कारोबार में, ठीक है, कल को जो आपको बेनिफिट होगा वो आपको अपनी कंपनी के साथ, उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज उस कंपनी ने आपको एक खास मिकदार अमाउंट की बोरो की है। ठीक है जी, तो इट मींस दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज के हाउ दे आर गोइंग टू फैसिलिटेट द न्यू बिजनेसेस। उसके बाद आते हैं जी हम स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ।
स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड पैराग्राफ से आप देखेंगे जी, द एसबीए हेल्प्स दीज स्मॉल फर्म्स इन सेवरल वेज इंक्लूडिंग ऑफरिंग गारंटीज ऑन लोन्स मेड बाय प्राइवेट लेंडर्स एंड ऑफरिंग डायरेक्ट स्पेशलाइज्ड फाइनेंसिंग। आपको गारंटी प्रोवाइड करती हैं, लेंडर्स को करती हैं कि जो आपने जो उधार दिया है किसी बोरोअर को, उस वो बोरोअर आपको खास मुद्दत के बाद दे देगा, वो उधार आपका जाया नहीं जाएगा। एंड ऑफरिंग डायरेक्ट स्पेशलाइज्ड फाइनेंसिंग, डायरेक्ट फाइनेंसिंग दी जाती है जी, खुद भी वो फाइनेंस करती हैं, आपको लोन देती हैं। उसके बाद जी, उसके बाद वो कहते हैं एज इंडिकेटेड अर्लियर इट इज आल्सो प्रोवाइड्स सम वेंचर कैपिटल थ्रू एसबीआई से। वेंचर कैपिटलिस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा, वेंचर कहते हैं बिजनेस को, कैपिटलिस्ट जो सरमाया लगाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट को वो अपने फोरम पर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, आप हैं, कोई और बंदा जिसके पास सरमाया है, वो स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आएगा और पैसा लगाएगा किसी कंपनी में और कंपनी उसको वहां पे उससे बेनिफिट देगी। इसके अंदर फर्दर हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी, स्पेशलाइज स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये क्या करती है, असिस्ट सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बिजनेस विद वेंचर कैपिटल। आम सी बात है जी, सेम बिजनेस का तरीका जो है, जो जो आपके कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं, वो स्पेशलाइज स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनीज कर रही हैं। वो कहते हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज बिजनेस होते हैं, मीन्स वो इकोनॉमिकली डाउन टाउन में होते हैं, वो डूब रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ऐसे बिजनेस को प्रोवाइड कर दी जाती हैं फंडिंग, ठीक है जी, वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनीज। आपने कंफ्यूज नहीं होना जी, ये कमर्शियल बैंक्स हो गए, ये इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, ये ट्रेड क्रेडिट्स हो गए, आपकी ये क्रेडिट लाइन्स हो गई, ये सिमिलर चीजें हैं, सिर्फ इनकी नेम चेंज है, ठीक है जी। पर्पज इनका क्या है, लोन ग्रांट करना। देन कम्स हमारे पास गारंटेड लोन्स हैं, वो इसी के थ्रू हैं जी। गारंटेड लोन्स कैसे होते हैं, एसबीए गारंटीज 30-40% ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन्स टू स्मॉल बिजनेस अंडर इट्स 7A प्रोग्राम। वो एक प्रोग्राम की उनकी एक क्लॉज है, उसके थ्रू वो कहते हैं 30-40% आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। द लोन्स कैन बी यूज्ड टू, अब वो कहते हैं इन लोन का मसरफ क्या है, आप क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो नंबर वन पर आप देख सकते हैं, दीज आर यूज टू परचेज द लैंड बिल्डिंग ऑफ द इक्विपमेंट प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल, रीफाइनेंस एग्जिस्टिंग डेट। रीफाइनेंस एग्जिस्टिंग डेट का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आपने अगर कोई पहले से उधार लिया हुआ है, उस उधार की अदायगी के लिए भी आप इनसे उधार ले सकते हैं, ठीक है जी। देन कम्स योर फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड सीजनल लाइन ऑफ क्रेडिट, राइट, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दे आर गोइंग टू प्रोवाइड। नेक्स्ट मूव करेंगे जी, यस, एलिजिबिलिटी फॉर एसबीए गारंटेड बिजनेस लोन्स बाय इंडस्ट्री टाइप। याद रखिएगा ये बुक्स जो है फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुई हैं, ये गोरो ने बनाई हैं, दीज आर टू बी अंडरस्टूड विद रिस्पेक्ट टू द कल्चर ऑफ वेस्ट अमेरिका, यूके की बात हो रही है। उन्होंने वो एग्जांपल दिया, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, अगर आप लेफ्ट पे देखें टेबल में, तो उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो ये हैं, अगर ये पूरी हो जाए तो आपको लोन मिल जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में रेंज टू 500-1500, इतने कम अज कम एम्प्लॉयज होने चाहिए तब आपको लोन मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री इन विच द एप्लिकेंट इज प्राइमरीली एंगेज, और इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है कि आप किस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कपड़े का काम करते हैं तो आप गारमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, अगर आप होटल का काम करते हैं तो आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एयरलाइन चलाते हैं तो आप एयरलाइन इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, ठीक है। देन कम होलसेलिंग जो आपकी इंडस्ट्री है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नॉट एक्सीड 100, अगर ये वाला बिजनेस होगा तो 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं होने चाहिए तब आपको लोन मिलेगा। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो एनुअल रिसीट नॉट एक्सीडिंग 3.5 मिलियन to 13.5 मिलियन, अगर 13.5 बिलियन डॉलर के अंदर अंदर आपका मुनाफा है तब आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलेगा। रिटेलिंग मींस जो आम दुकान होती है, एनुअल सेल्स और रिसीट नॉट एक्सीडिंग 3.5 मिलियन to 13.5 मिलियन, अगेन ये भी आपके 13.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा आपकी सेल्स नहीं होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा सेल्स हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा, बिकॉज वो ये समझेंगे कि आप तो ऑलरेडी माशाल्लाह अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लोन की जरूरत क्या है। अगर इतनी अमाउंट में आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। देन कम्स फाइनली एग्रीकल्चर, एनुअल रिसीट नॉट एक्सीडिंग 0.5 मिलियन to 3.5 मिलियन, अगर एग्रीकल्चर लैंड्स हैं तो 3.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए तब आपको लोन जाकर मिलेगा, ठीक है जी। आगे मूव करेंगे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स, ये दीज आर अगेन सिमिलर टू दी प्रीवियस कॉन्सेप्ट जिसको आप गो थ्रू करेंगे। द एसबीआई आल्सो हैज सेवरल स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, फर्स्ट देयर आर स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू बी अवार्डेड टू स्मॉल डिसएडवांटेज बिजनेस सब कॉन्ट्रैक्टर्स अलॉन्ग विद द काउंसलिंग एंड बॉन्डिंग असिस्टेंस। इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कंपनीज है सिर्फ लोन नहीं देती बल्कि आपके जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेस डूब रहे हैं, उनको मदद भी फराहम करती हैं कि जी आप एक्चुअली उनको गाइडेंस देंगी, मशवरे देंगी, कंसल्टेशन देंगी, गवर्नमेंट की सपोर्ट करवाएंगी ताकि वो अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सकें। आगे मूव करेंगे जी, सो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स। आगे उन्होंने एग्जाम्पल दिए स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनीज की, अगेन In addition to indirect equity financing as previously discussed, SBIC, BIC also make
क्वालिफाइड एस बी ए लोन्स, ये लोन्स भी आपको देते हैं जी। एस बी ए मैचेस ईच डॉलर इन एस बी आई एस सी पुट इन टू अ लोन। लोन्स आर यूजली मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years, 5 से 10 साल के लिए जी आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। एस बी आई सी में स्टिपुलेट दैट इट इज इट बी गिवन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ स्टॉक परचेज वारंट्स और स्टॉक ऑप्शन और इट मे मेक कम्बिनेशन ऑफ लोन एंड अ स्टॉक परचेज। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा फर्क करने की जरूरत है। वो कहते हैं वो लोन तो दे देती हैं, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि आप हमें थोड़ा सा स्टॉक भी दें। आपको याद होगा हमने दो टाइप ऑफ फाइनेंसिंग पढ़ी, इक्विटी फाइनेंसिंग जिसमें आप लोन नहीं लेते, स्टॉक इशू करते हैं, स्टॉक इशू करके आप पैसा कमाते हैं। ठीक है, इसी तरह ये कंपनीज आपको लोन तो दे रही हैं, लेकिन वो आपकी कंपनी के अंदर एक छोटा मोटा हिस्सा भी चाह रही हैं, एक शेयर भी चाह रही हैं, इसलिए वो अपने लोन को सिक्योर करने के लिए कहती हैं कि आप हमें थोड़ा सा स्टॉक ऑप्शन की तरफ भी लेकर जाए, हमें थोड़ा सा स्टॉक भी खरीदने दें। जब वो स्टॉक खरीदेंगे तो भी कंपनी के पास पैसा ही जाएगा, ठीक है, और लोन की शक्ल में भी पैसा ही जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स वी हैव टू डिस्कस। एंड फाइनली वी हैव द कॉन्सेप्ट सेकंड लास्ट इज द ग्रीन प्रोडक्ट। ग्रीन प्रोडक्ट इज एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल कमर्शियली। ठीक है, ग्रीन प्रोडक्ट जी वो होती हैं जो कि आपकी एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करती और आपको इसलिए दी जाती हैं ताकि आपकी आपकी जरूरत भी पूरी हो और आपका एनवायरनमेंट भी सेफ रहे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी जी गाड़ियों में आई है, इसका मतलब है वो कम से कम धुआं बाहर निकालेंगी, फंक्शन आपको मैक्सिमम देंगी, आपको आपको ट्रैवल करवाएंगी, लेकिन धुआं कम होगा, इट मींस आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट। देन आप देख लें कि आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, वो कहते हैं जो हार्मफुल गैसेज हैं एक्सीट नहीं करते, तो अगेन दीज आर ग्रीन प्रोडक्ट्स। इसी तरह आप अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की एग्जांपल लें, जैसे आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो कि केमिकल के इन्फ्लुएंस के बगैर कंट्रोल एनवायरनमेंट में उगाए जाते हैं, दीज आर एग्जांपल ऑफ अ ग्रीन प्रोडक्ट्स। फाइनल कॉन्सेप्ट इज व्हाट लेंडर्स लुक फॉर। वो कहते हैं कि लेंडर्स जब किसी को लोन देते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, क्या चीजें होनी चाहिए, वो नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह क्लियर होंगी। यस, दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट और द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। वो कहते हैं यहाँ पे देर आर, अगर आप टेबल में देखें, देर आर एटलीस्ट 5 steps यू शुड टेक इन ऑर्डर टू एश्योर अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद द इन्वेस्टर। इट मीन लेंडर जो है ना, वो लेंडर और जो उससे उधार लेने वाला बोरोअर है, उनके दरमियान ये चीजें 5 आपने देखनी है, तब अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं होगा जी। वो चीजें कौन सी हैं? एस्टेब्लिश द रेंज ऑफ फंड्स यू विल नीड। आप एक रेंज बनाएं और उसको पहले इन्फॉर्म करें कि आपको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद इतनी इतनी अमाउंट जरूरत होगी। सेकेंडली, आइडेंटिफाई द इन्वेस्टर स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट कुड हेल्प एडवांस योर वेंचर। आप इन्वेस्टर की स्किल्स को देखें कि वो लोन तो दे रहा है, उसके अलावा मेरी क्या मदद करेगा। ठीक है, थर्ड, फाइंड एन इन्वेस्टर विद इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स सिमिलर टू योर्स। वो कहता है कि ऐसे इन्वेस्टर को अपने साथ लेकर आए जो जिसकी खसूसियात या जिसका इंटरेस्ट दिलचस्पी आपके साथ मैच करे। फोर्थ पॉइंट, फाइंड अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नॉट वन हु वांट्स टू मेक अ क्विक बाय एंड गेट आउट। मीन्स ऐसे इन्वेस्टर ले, ये ना वो 4 महीने के लिए आपके साथ आपकी मदद करे, पैसा लगाए, उसके बाद कहे जी यार मेरा दिल भर गया है, मुझे आप अपनी मेरी अमाउंट वापस करें। नहीं, आपको लॉन्ग टर्म पे चलाना है, उसको अपने साथ लेकर चलें। फाइनल वन इज दी फाइंड एन इन्वेस्टर विद मोर टू ऑफर यू देन जस्ट मनी सो दैट यू मे अवॉइड हैविंग ऑफ टू हाई आउटसाइड कंसल्टेंट्स। वो कहते हैं ऐसे इन्वेस्टर लेकर आए जो सिर्फ आपको पैसे ना दे बल्कि आपको कंसल्टेशन भी दे, एडवाइस भी दे, अदरवाइज आपको कोई बाहर का बंदा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको कहते हैं इन्वेस्टर आप ऐसा लेकर आए जो आपको ये तमाम फंक्शंस प्रोवाइड करे। नेक्स्ट ये आगे हम देखेंगे, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट इन्वेस्टर शुड फाइंड आउट अबाउट यू इन्वेस्टर। अब वो था कि लैंड बोरोअर को इन्वेस्टर के अंदर क्या देखना चाहिए, अब ये है कि इन्वेस्टर को बोरोअर के अंदर क्या देखना चाहिए। ठीक है जी, फर्स्ट वन, कैन यू एंड द इन्वेस्टर वर्क टुगेदर एज टीम। अगेन वही बात कि क्या इन्वेस्टर और आप इकट्ठे काम कर सकते हैं। Do you appear to flexible and willing to accept the new management if the project is highly successful? क्या अगर आपको जो लोन दिया जा रहा है इन्वेस्टर आपके साथ मैनेजमेंट में आना चाहे, आपके साथ काम करना चाहे, तो क्या उसको आप कबूल करेंगे। थर्ड पॉइंट, आर यू ट्रूली कमिटेड टू द एंडेवर एंड यू आर विलिंग टू एक्सपेंड द एनर्जी एंड रिसोर्सेज टू मेक इट सक्सेस। अगेन, क्या जिसको हम लोन दे रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए सीरियस भी है या नहीं। फोर्थ पॉइंट, कैन यू एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, फीडबैक एंड असिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, जब दो पार्टनर काम करते हैं इकट्ठे तो क्रिटिसिज्म भी फेस करते हैं, एक दूसरे के मशवरे पर चलना भी पड़ता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं इन्वेस्टर को ये देखना है कि आइदर माई बोरोअर जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ क्या मेरे मशवरे के साथ चलेगा, तनकीद बर्दाश्त करेगा या नहीं। एंड द फाइनल पॉइंट इज, डू यू हैव डेफिनेट फिक्स्ड रियलिस्टिक गोल्स एंड वेयर डू यू प्लान टू बी इन स्टे 1 year, 5 years, 10 years। वो कहता है कि वो इन्वेस्टर जो है अपने बोरोअर में ये चीज़ भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता है
कि क्या मेरा बोरोवर इतना सीरियस है, वो क्या उसके गोल्स हैं, क्या मिशंस हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नेक्स्ट एक साल में, पांच साल में, दस साल में वो अपने आप को कहां देखता है, वो कितना आगे जाएगा. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज एक्चुअली द फाइनल टॉपिक. वी आर गोइंग टू एंड अवर चैप्टर ओवर देयर. आपकी फरमाइश के मुताबिक आई हैव एक्चुअली कंप्लीटेड इट इन थ्री सेशंस ऑफ 20 मिनट्स ईच. ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह आप इसको गो थ्रू करेंगे, बिकॉज जितने भी चैप्टर्स हैं उन तमाम में से ये थोड़ा सा टेक्निकल है और ट्रिकी है ड्यू टू द फाइनेंशियल पोर्शन. सो आई एम एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह ताला इसको आप कवर करेंगे और बुक यू वुड बी परचेजिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग टू वीक्स में. हम अपना टू टू थ्री वीक्स में कोर्स कंप्लीशन की तरफ मूव करेंगे. थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम.